लाइट वाले ध्यान दें, सारी लाइटें बंद कर दें, सीखता करें। जय बोलो मूर्छवनाथ भगवान की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, परम पूज सागर प्रवर्तक महायोगी उपाध्याय मुनिषि कुप्ती सागर महाराज की जय। आप सब चलो नीचे पहुंचो, चलो भाई नीचे जल्दी नीचे। भैया जो खड़े हैं सीखता करके बैठ जाएं, पेंट शर्ट वाले नीचे पहुंचे। और हाँ जी बोलिए साहब। अग्नि कुमार देव बनने का स्वभाग एक ही बोली है, अग्नि कुमार देव बनने का स्वभाग कहां से प्रारंभ करें, बोली को बोलिए 11111। मोक्ष कल्याण की एक ही बोली है बस 11111। कोई भी महानुभाव बोली ले सकता है, वहां व्यवस्था है ड्रेस की। 21 21 25 525 31 31 35 41 41 441। मूल बोली है मूल 51551 61661 61661। एक बार और, हाँ जी 61 65 65 565। जो मात समझता है वही बनता है 71 71771 रुपया 71771 रुपया दो बार, ढाई बार 71 1 2 2.5 3 है किसी की मर्जी, जल्दी बोलो 71771 रुपया एक बार, दो बार, ढाई बार, 3 बार, हाँ जी 75 75,000 75,575। 81 81,581 81,581 81 लाखों का काम, लाखों का कार्य, लाखों की बोली है, हाँ जी हाँ जी बाबू जी छोड़ दें कन्फर्म एक बार और 85 85,585। हाँ बाबू जी बोलो बोलो 91 91,991 1,02,00,000 से कम नहीं जाना 1,01,111। बोलिए भगवान के मोक्ष कल्याण की जय। साकार बोधक मुनिषि उपाध्याय मुनिषि कुप्ती सागर महाराज की जय। हाँ जी भाई जी थोड़ा और एक बार और 1,01,111 एक बार, दो बार, ढाई बार, 3 बार बोलो 11 करते हैं 1,11,111 1,02,25,3। हाँ जी फाइनल कर दें और कुछ विचार देख लो है 1,11,111 रुपया 1,02,25,3 और 1,11 1,21,221 1,21,221 रुपया एक बार मोक्ष कल्याण की कल्याण एक ही बोली है ठीक है ना 1,21,221 1,02,25 हाँ जी कुछ कह रहे क्या पवन जी बाजू में बोलो जल्दी बोलो कुछ कह रहे हो तो तीन कर दें 1,21,221 1,02,25,3 3। इस बोली का स्वभाग धनपाल जी जैन, सुधांशु जैन,
बंदूक वालों ने सबक लिया है। अरे वही चीफ गन हाउस युग जैन वो हमसे कह रहे थे महाराज जी के पंडित क्या करना हमको, हमने कहा लेना बोली। हानी आइए धनपाल जी ड्रेस पहनिए, अग्नि कुमार देव बनी आइए, लाइट वाले महानुभाव मंच की पांडाल की लाइट को ऑफ कर दें, एक मिनट में लाइट ऑफ करें जल्दी, एलईडी छोड़ के सारा बंद कर दें लाइट बिल्कुल, जल्दी करें भाई, सूचना करो लाइट को, और जब इशारा करें एक मिनट में ऑफ करना ऑन करना, ठीक है ना। उधर से इधर से नहीं, उधर से उस तरफ से, इधर से बीच में, यहां से कोई नहीं आएगा। अजीत अजीत जी, हाँ भाई, वो भाजपा के विधायक हैं। अच्छा जब ठीक है, विपक्ष के, हाँ अच्छा, लीडर ब्रजेंद्र गुप्ता जी आए, ब्रजेंद्र जी गुप्ता जी, अच्छा अच्छा गुप्ता जी भाजपा दिल्ली विधानसभा के विपक्ष के नेता, हमारे भाई ब्रजेंद्र जी गुप्ता जी उपाध्यक्ष गुप्ता जी से आशीर्वाद लेने के लिए पधारे हैं, क्योंकि अभी 8 तारीख को चुनाव होने हैं। हाँ सामने, यहाँ से ड्रेस वाली सामने नीचे उतरती सामने है, आशीर्वाद लो पहले धनपाल जी। हाँ जी लाइट वाले महानुभाव लाइट को ऑफ कर दें, लाइट वाले सिकता करके लाइट को ऑफ कर दें, यहां लाइट बड़ा नहीं सामने क्या, आप सभी बिरा जी उनको बता दो सभी इंद्रेन्द्राणी और श्रावक बंधु सावधान पद्मासन मुद्रा में बाएं हाथ पर दायां हाथ आंखें बंद करें, नाक से लंबी सांस लें, मुंह बंद रखें, जहां खड़े हैं वहीं विराजें। मंच पर एक सुंदर पहाड़ नजर आ रहा है, ये समेत शिखर तीर्थ है जहां से तीर्थंकर निर्वाण पाते हैं, शाश्वत तीर्थ है। इसके शीर्ष पर निर्जर कूट है, वहां मुनि सुव्रत स्वामी योग निरोध कर विराजे। संपूर्ण कर्मों के छपन के साथ उनकी आत्मा ऊर्ध्व गति करती हुई सिद्ध शिला के अग्रभाग में जाके विराजी, इस दृश्य को देखेंगे सुनेंगे समझेंगे। अब आंखें बंद कीजिए और उनका उच्चारण करें। तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म की श्रेष्ठतम पुण्य प्रकृति है। सम्यक दर्शन के अभाव में इस कर्म प्रकृति का आत्म संबंध संभव नहीं होता। प्रथमोपशम द्वितीयोपशम क्षयोपशम एवं क्षायिक में से किसी भी प्रकार का सम्यक्त्व तीर्थंकर कर्म प्रकृति के बंद काल में अपेक्षित है। भगवान तीर्थंकर ने संसार की पर्याय में आत्मश्रद्धा विनय शील संपन्नता
अभिक्षण ज्ञानोपयोग संवेग दान तप साधु समाधि वेयावृत्य देव आराधना गुरु आज्ञा ज्ञान सेवा उपदेशानुराग क्रिया कुशल धर्म प्रभावना वात्सल्य एवं जीव दया के संस्कारों से अभिभूत होकर भवेद मार्ग प्रशस्त कर दिया। केवली श्रुत केवली का पादमूल इन गुणों की अभिवृद्धि में कारण बनकर तीर्थंकर कर्म प्रकृति के बंध में सहायक सिद्ध हो गया। आयु कर्म पूर्ण होने पर स्वर्ग गमन हुआ। पुण्य से प्राप्त अपारिश्रमिक देविक सुखों को दीर्घ काल तक भोगने लगे। देवायु के 6 मास शेष रहने पर स्वधर्म के निर्देशन में तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव पृथ्वी पर प्रारंभ हो गया। स्वर्णिम राजभवन जिन माता की सेवा रत्नों की वृष्टि दृष्टिगत नियोग ये सभी दिखाई देने लगे। एक समय रात्रि का पिछला प्रहर माता को 16 स्वप्न दिखाकर पुण्यात्मा के आगमन की पुष्टि कर गया। काल के परिपाक में त्रैज्ञानधारी तीर्थंकर शिशु का जन्म हो गया। तीनों लोकों में कई आश्चर्य घटित हुए। स्वधर्म इंद्र का आसन कंपित हुआ। भवनवासी देव भवनों में शंख स्वतः ही मुखरित हो उठे। व्यंतर विमान भेरियों की मधुर रव से गूंज गई। सिंह गर्जन से ज्योतिष विमान भर गए। कल्पवासी देव भवनों की मनहर घंटे स्वतः ही बजने लगे। सूर्य वृक्षों के पुष्प स्वतः ही झड़ने लगे। चारों निकाय देवों के मुकुट नम्रीभूत हो गए। आर्यावर्त की प्रकृति प्रमुदित हो उठी। नरक वेदना से दुखी नारकियों ने भी निमिष काल शांति का अनुभव किया। नवजात शिशु की जात कर्म का सौभाग्य रुचकात्री पर्वतवासी देवियों को मिला। ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर सौधर्म इंद्र देव परिवार के साथ राजगृही के राजभवन में पहुंचा। भवन की दीन प्रदीक्षिणा कर राज प्रांगण में तीर्थंकर के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगा। मायावी बालक को सैया पर रख माता को माया निद्रा से प्रभावित करते हुए जिन बालक को स्वधर्म को सौंपने का काम सची इंद्राणी ने पूरा किया। जिन बालक को पाकर 2 नयनों से अतृप्त स्वधर्म इंद्र सहस्र नेत्रों से मनहर छवि को निहारता रहा। अभिषेक का संकल्प लेकर महामेरु सुदर्शन के शीर्ष की पांडु शिला पर तीर्थंकर बालक को विराजित किया। क्षीर सागर के जल से भरे दीर्घकाय 1008 रत्न कलशों से स्वधर्म इंद्र ने जिन बालक का अभिषेक उपरांत नामकरण संस्कार किया। इंद्र के तांडव नृत्य के साथ जन्मोत्सव पूरा हो गया। दूज के चांद की भांति बालक का विकास होने लगा। सर्वत्र जिन बालक की रक्षा हेतु दिक्पाल भोगोपभोग सामग्री की सुलभता हेतु कुबेर स्नान एवं शरीर संस्कार हेतु दिक् कुमारियाँ सह क्रीड़ा हेतु 33 देवता नियुक्त रहे। शने शने तीर्थंकर बालक शिशु से किशोर और युवा हो गए। परंपरागत राज्य का भार स्वीकार करते हुए पूर्व आत्मोन्मुखी संस्कारों से प्रभावित रहे। प्रत्याख्यानावरण कषाय के मंद उदय के साथ असार संसार का दर्शन कराने वाले क्षणिक निमित्त संयोग ने महाराजा की चिंतन दिशा में परिवर्तन कर दिया। राग का साम्राज्य अब विराग मेघों में ढक गया। संसार शरीर एवं भोगों का ज्वार वैराग्य के प्रबल औसत से उतरने लगा। इसी मध्य ब्रह्मवासी लोकांतिक देवों ने वैराग्य प्रशंसा का नियोग भी पूरा किया। परिजन एवं पुरजनों को यथायोग्य संतुष्ट कर राज्य के भार से मुक्त होकर तीर्थंकर मुनि सुव्रत महाराज गृह विरत से विरक्त संकल्पित हो गए।
देवों द्वारा लाई अपराजिता पालकी में बैठ श्री जिन वन को प्रस्थान कर गए। 1000 राजाओं के साथ अचेलकत्व धारण कर नमः सिद्धेभ्य का उच्चारण करते हुए पंचमुट्ठी केशों का लोच कर योग धारण कर लिए। सर्वसावत्य निप्रति रूप सामायिक चारित्र के धनी जिननाथ अवधि के साथ अब चतुर्थ मनः परिये ज्ञानी हो गए। योग समाप्ति पर श्रावकों के पुण्य से महामुनि का चर्या भ्रमण हुआ। उत्कृष्ट दात्र एवं पात्र की प्रभावना में देवों ने पंचाश्चर्य वृष्टि की। इस धारणा की कई जीवों ने अनुमोदना कर पुण्यार्जन भी किया। छद्मस्त काल की समाप्ति के अंतर मुहूर्त पूर्व तक का समय अप्रमत्त एवं प्रमत्त गुण स्थान में आरोहण अवरोहण करते हुए पूरा हुआ। इस अवधि में इस प्रकार सहस्रों परिवर्तन होते रहे। तीर्थंकर महामुनि क्षपक श्रेणी के सम्मुख होते हुए साथी से अप्रमत्त के सहारे अधा प्रवर्तकरण करके अपूर्वकरण गुण स्थान में पहुंच गए। इस गुण स्थान में किसी भी कर्म प्रकृति का क्षय संभव नहीं हुआ, किंतु वृत्तिंगत अनंत गुणी विशुद्धि के प्रभाव से कर्म प्रकृतियों के क्षय हेतु 4 कार्य हुए। गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात और अनुभाव कांडक घात। इन 4 उपक्रमों के फलस्वरूप परिणामों की विसदृशता समाप्ति रूप अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में प्रवेश किया। इस गुण स्थान के संख्यात बहु का भाग काल को अपूर्व काल के सदृशी व्यतीत किया। शेष संख्यात भाग में दर्शनावरण की 3 निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला एवं स्थान वृद्धि नाम कर्म की 13 सूक्ष्म साधारण उद्योत आतप 1 से 4 इंद्रिय जातियां नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यानुपूर्वी एवं स्थावर कुल 16 कर्म प्रकृतियों का क्षय संभव हुआ। अंतर्मुहूर्त कालक्रम से चारित्र मोहिनी की अप्रत्याख्यानावरण एवं प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोक के प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग को संज्वलन कषायों में संक्रमित कर परमुख से छय किया। स्त्री वेद और नपुंसक वेद के द्रव्य को पुरुष वेद के द्रव्य में देकर इन्हें भी छय कर दिया। सवेद भाग के द्विचरम समय में पुरुष वेद के पुरातन सत्ता स्थित सत्व के साथ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा का द्रव्य संजुलन क्रोध के द्रव्य में क्षेपण कर उनका भी क्षय कर दिया। तदनंतर क्रोध संजुलन को मान में, मान के द्रव्य को माया में, माया के द्रव्य को लोभ संजुलन में संक्रमित कर संजुलन क्रोध मान माया का क्षय कर दिया तथा बादर कृष्टियों के द्वारा संजुलन लोभ को भी क्रश किया। बादर कृष्टियों के पश्चात सूक्ष्म कृष्टि रूप लोभ का वेदन करते हुए 10वें सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में प्रवेश किया एवं यहीं से सूक्ष्म सांप्राय संयम के धनी हो गए। इस गुण स्थान के अंतिम समय में संजुलन की सूक्ष्म लोभ कृष्टि का क्षय करते हुए 12वें क्षीण कषाय गुण स्थान में पहुंचे। साथी से अप्रमत्त से सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान तक कर्मों की विखंडना एवं अनंत गुणी आत्मविशुद्धि के सारे उद्यम धर्म ध्यान के चतुर्थ चरण संस्थान विचय के अवलंबन से संभव हुए। क्षीण कषाय गुण स्थान में शुक्ल ध्यान के प्रथम चरण पृथकत्व वितर्क विचार के सहारे स्थिरता प्राप्त की। द्वितीय पद एकत्व वितर्क विचार एवं यथाख्यात चारित्र के बल से द्विचरम समय में निद्रा एवं प्रचला 2 प्रकृतियों को नष्ट कर दिया। इसी गुण स्थान के चरम समय में ज्ञानावरण की 5 दर्शनावरण की 4 एवं अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियों का क्षय कर दिया। नरक तिर्यंच एवं देव आयुजन्य सत्व के अभाव में तथा 60 प्रकृतियों के क्षय से 13वां गुण स्थान प्राप्त किया। आत्मा के अविनाभावी अनंत दर्शन अनंत ज्ञान
अनंत वीर और अनंत सुख रूप अनंत चतुष्टयी के अधिपति तीर्थंकर हो गए। लोक एवं अलोक के समस्त चराचर पदार्थों को युगपत देखने और जानने की सामर्थ्यता प्रकट हो गई। केवल ज्ञान की प्रभुता से श्री जिनेन्द्र भूमि से 5000 धनुष ऊपर उठ गए। कुबेर द्वारा रचित समोसरण के ठीक मध्य त्रयपीठ पर प्रभु विराजित 12 सभाओं से सुशोभित हो रहे। पुण्य प्रभाव और योग से तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिरने लगी। संपूर्ण जगत ने इस महा अतिशय पुण्य वाणी का लाभ प्राप्त किया। समय बीता, तीर्थंकर महाप्रभु सम्मेद शिखर के शीर्ष पर पहुंच गए। योग निरोध करते हुए समुद्घात के प्रभाव में संपूर्ण शेष बचे कर्म को आयु कर्म के समानांतर करते हुए मात्र 5 लघु अक्षर उच्चारण करते काल में निर्वाण की ओर अग्रसर हो गए। अ ई उ री रे की लाइट को चलो मेरे आत्म प्रदेश जहां है सितों का देश जहां वो चले गए। चलो मेरे आत्म प्रदेश जहां है सितों का देश जहां वो चले गए। ये तो लगे मुझे परदेश वो ही है मेरा देश जहां वो चले गए जहां वो चले गए। चलो मेरे आत्म प्रदेश जहां ऐसे तो का देश जहां वो चले गए। साधना करते हुए केवल ज्ञान पा लिए और देखते देखते सारे कर्मों का नाश कर वे सिद्धालय के अग्रभाग में जाके विराजमान हो गए। सदैव सदैव के लिए जन्म मरण से मुक्त हो गए। अब वो आत्मा इस धरती पर पुनः नहीं आना हमारा सौभाग्य है। उस महापुरुष के द्वारा प्रवर्तित और प्रदर्शित मार्ग पर परम पूज्य उपाध्याय मुनि गुप्त सागर महाराज जी जैसे संत विचरण कर रहे हैं, उसी मार्ग पर चल रहे हैं। 880,000 वर्ष पूर्व की ये घटना है मुनि सुव्रतनाथ स्वामी की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन काल के समय की घटना है। उस समय के से लेकर के आज तक जो दिगंबर मुनियों का जो रूप है उसी रूप में आज इस सर्दी में गर्मी में बरसात में लोक में नग्न दिगंबर अवस्था में भ्रमण करते हुए महाव्रतों का निर्दोष रूप से पालन करते हुए चर्यारत हैं। उनके चरणों में अपन सभी प्रणाम नमोस्तु निवेदन करते हैं। बड़ोत में पंच कल्याणक हुआ बहुत शालीनता से और आनंद के साथ पूरा। अब समुद्र में जाते हैं नाव चलती है तो लहरें तो आती है और लहरों में नाव थोड़ा पानी नाव में तो कभी पानी नाव में, लेकिन उपाध्याय श्री जैसा खेवटिया यदि मौजूद हो पतवार पतवार
उनके हाथ में हो तो झंझावातों में और उछलते हुए पानी की बौछारों में भी नाव पार लग जाती है। मैं पूज्य श्री के चरणों में सविनय नमोस्तु निवेदन करूंगा। उनकी कृपा बड़ौद के भक्तों पर बहुत है। आपने देखा होगा कभी कभी महाराज श्री तेज लगते, लेकिन ये संत है, ये संत हैं, हमें दिखता है, लेकिन सुधारने के लिए सब कुछ हथेड़े का उपयोग करना होता है। पूज्य श्री बहुत कृपा निधान है, बहुत सरल सहज और गुणी है, और ये जो प्रतिष्ठा निर्विघ्न और प्रभावना के साथ संपन्न हुई है उसमें मात्र एक ही कारण है, पूर्व पूज्य श्री समय से पहले यहां पधारे, पहले पंचों की प्रतिष्ठा की और उसके बाद में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की। मैं संगस्त दीदी को भी वंदना में निवेदन करूंगा। दोनों दीदियों ने कृपा रखते हुए सभी को मार्गदर्शन दिया, हम सबको हिम्मत हौसला दिया, शुभकामनाएं दी और इस बदौलत ये पंच कल्याण किया हो गया। आयोजक सभी, कुछ ज्ञात कुछ अज्ञात, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। राजकुमार जी, मुन्नू भाई, हमको तो दिखे ही नहीं, ये आत्माएं काम में लगी रहती, शरीर में कई तरह की शक्तियां हैं, कुछ ज्ञात रूप काम करती है, कुछ अज्ञात रूप करती है। मैं पूरे बड़ौदवासियों को बधाई देऊंगा, डॉक्टर साहब का भी शुभकामनाएं लेऊंगा, इन्होंने भी मुझे बहुत हिम्मत दिया। मैं परम पूज्य श्री के चरणों में प्रार्थना निवेदन कर रहा हूं कि वे इस अवसर पर हम सभी को गीत संगीत के साथ और आत्मध्वनि के साथ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आप सब विराजेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। बोलेंगे बोलना है भजन भजन कर लीजिए। हेलो भजन तो पंडित जी ने महाराज जी का कलश प्रवेश करी देते हैं। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नट्ठट कम बंधा अट महागुण सम्मन्या परमा लोय गिठ दान चा सिंधाते एरिसा होंती। जिन्होंने अष्ट कर्मों का बंध नष्ट कर दिया है, जो आठ महागुणों से सहित हैं, उत्कृष्ट हैं, लोक के अग्रभाग में स्थित हैं तथा नित्य हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्टि जयवंत हों। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की।
पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की मोक्ष कल्याणक की गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, बड़े उपाध्याय गुरुवर गुप्त सागर जी महाराज की। धर्म स्नेह बंधुओं, सम्यक्तमयी भावी आत्माओं, आज हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, वह इसलिए महामना मुनि सुब्रत का तीर्थ अभी हम सबके मन प्राणों को ऊर्जा प्रदान कर रहा था, जीने के लिए श्वास पवित्रतम उपलब्ध हो रही थी, हमारे हौसले उन्हें देख के बुलंद थे। हम बांसों उछल रहे थे, सोचते थे मुझे किसी प्रकार का लोक में अब कोई भय नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर मुनि सुव्रत भगवान हैं और उनके होने के कारण से हमारा मन प्रफुल्लित था, आनंदित था, अपार खुशियां थीं। उनकी दिव्य देशना हमारे जीवन को प्रभावित कर रही थी, उनकी देशना से राग द्वेष मरुथल में छलांगे लगाते हुए दूर जा रहे थे। उन महापुरुष भूमि सुब्रत के होने से हमारा नहीं प्राणी मात्र का हौसला बड़ा हुआ था। लोक में विख्यात है, जब किसी परिवार में कोई वरिष्ठ व्यक्ति मौजूद हो तो किसी आदमी को भय नहीं लगता है, सब कुछ ठीक ही होगा। और आज तक मुनि सुब्रत के कारण से धरती पर कोई आदमी संतरस्त नहीं था, मन प्रसन्न था, अनेक खुशियां थी। लेकिन उन्होंने संसार के सब कर्मों को सूचित करते हुए मुक्ति के पथ पर प्रयाण करने का जो उपक्रम रचा, उससे संसारी प्राणी सोचता है कि अब मुझे कौन हस्तावलंबन देगा। सच है, हमको बोलते हुए भगवान अच्छे लगते हैं, मौन भगवान अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए अरिहंतों को पहले प्रणाम करते हैं आप स्वार्थी जन, सिद्धों को बाद में नमस्कार करते हैं। अब सिद्ध परमेष्टी हमें दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे, जब तक अरहंत निर्जल कूट संबे शिखर पर विराजमान थे तब तक व्यक्तियों के मन में था कि अभी तो कम से कम ध्यान में संलग्न है, दर्शन तो हो ही रहा है। लेकिन जैसे उन्होंने कर्मों को पटकनी दी, एक ही झटके में कर्मों को गिराया, ऐसा ताकतवर वही व्यक्ति हो सकता है जिसके अनंत बल भीतर छुपा हुआ हो। हम सबके भीतर वह अनंत बल छुपा हुआ है, लेकिन हम कमजोर हैं। मोहिनी के बादल इस तरह चारों ओर से घेर कर आच्छादित कर दिए हैं कि आदमी के हौसले पस्त पड़े हुए। छोटा सा त्याग करने के लिए हौसला भी आदमी बुलंद नहीं कर पा रहा है। इतना बड़ा हौसला मोक्ष प्राप्त करने का केवल महापुरुष को ही हो सकता है। अन्य किसी व्यक्ति का इतना जुझारू उद्यम भी नहीं है, इतना विशाल पुरुषार्थ भी नहीं है, इतना बड़ा सोच भी नहीं है, इतनी बड़ी संपत्ति भी नहीं है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसे उदात्त महाव्रतों को धारण कर
जीवन भर के लिए मौन साध लेते हैं। यहां तो एक पल मौन रहने के लिए संकेत किया जाए तो मन विचलित हो जाता है। मौन ये तो मुनियों के लिए है, मौन हम अबलाओं के लिए और दीन वर्षों के लिए नहीं है। इतना कमजोर इंसान मोक्ष की सीढ़ी पर कैसे टक भर सकता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और मोक्ष तीनों को छूने के लिए आइए, थोड़ी सी तो कोशिश कर ही लीजिए। कल आप कम से कम गाजर और टिकिया से बचने की कोशिश किए हैं, आज आपका नाम सिद्धों की श्रेणी में कहीं टिक हो जाए तो कितना बड़ा पुरुषार्थ होगा। जब कभी भी आपको हौसला करना होगा पहली बार में ही होगा। लोग धीरे धीरे सोचते हम त्याग के पथ पर चलें, लेकिन धीरे धीरे चलने वाला आदमी बुराइयों से पूरी तरह अपने को बचा नहीं पाता है। जो आत्मा पहले संसार अवस्था में इंद्रिय जनित बाधा सहित पराधीन और मूर्ति सुख का अनुभव करता है, अब वही चिद आत्मा मुक्त अवस्था में सर्वज्ञ और सर्वर्षी होकर अनंत अव्यवाद स्वाधीन और अमूर्तिक सुख का अनुभव करता है। महामुनि मुनि सुब्रत अपनी साधना के बल पर केवल ज्ञान को प्राप्त हुए थे, तदनंतर उन्होंने और भी कर्मों के साथ जंग छेड़ी। कहीं किसी कोने में एक भी दुश्मन नजर आया, उन्होंने अलाउड एक भी नहीं होना चाहिए, सर्व कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा, सारे कर्मों को जिस क्षण गिराया उसी क्षण निर्जर कूट से वह अपने लक्ष्य को साध लिए। जय बोलिए महामना शुभत भगवान की। धर्म स्नेह बंधुओं, एक और कमाल की बात आपको जानने की जरूरत है। काले कल्प सते पीछा महामुनि सुब्रत अपने लक्ष्य को साध चुके हैं, और लक्ष्य को साधने के बाद काले कल्प सते पीछा करोड़ों कल्प काल भी बीत जाएं तो भी अब मुनि सुब्रत के सुख में कोई फर्क नहीं आने वाला है। लक्ष्य को साध लिया, साधना पूर्ण हो गई, अब वापस लौट करके नहीं आना है। महानुभाव आप तो संसार में आकर के जाने की तैयारी में लगे हैं। जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दो होद परिणामो, परिणामादो कम्मम कम्मादो होद गदि सुगदि, गदि मदि गदस्त देहो देहादो इंद्रियाणि जायन्ते, ते हिंदु विश्य गहनम तत्तो रागो व दोसो बा। जायति जीवन सेवम भावो संसार चक्रवा लंबी, इति जन वरेणी भणियो अनादि निधनो सनिधनो वा। यह आपका संसार दिखलाई देता है। यह जो संसारी जीव है उसके राग द्वेष आदि असोभाव होते हैं, उनसे ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों का प्रबंध होता है, और इन कर्मों के प्रबंध से एक गति से दूसरी गति में छलांग भरता रहता है। गति को प्राप्त हुए जीवों के औदारिक आदि शरीर मिलता है, शरीर मिलने के साथ इंद्रियां मिलती हैं, और इंद्रियों के मिलते ही उनके विषय उपलब्ध होने पर वह उन विषयों को देख करके राग द्वेष करता है। महानुभाव संसार रूप चक्र में परिभ्रमण करने वाले ऐसे अशुद्ध भाव अभव्य की अपेक्षा अनादि अनंत है, और भव्य की अपेक्षा अनादि शांत है।
संसार कम करने के लिए क्या हम आज ही पुरुषार्थ कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो अपने मोह के लिए।